आधा वर्ष है नाजरीन, मैं आसिफ अली और आप देख रहे हैं रूबी उर्दू न्यूज। सबसे पहले नजर डालेंगे अहम खबरों पर। तेलंगाना असेंबली में जात पर मबनी मर्दुम शुमारी की करारदाद मुत्तफिका तौर पर मंजूर, अपोजिशन जमातों ने भी करारदाद की तायीद। वक्फे सिफर में मुख्तलिफ अराकीन असेंबली ने मुतालिका हलकों के मसाइल को किया पेश, हुकूमत से इकदाम करने की अपील। अकबरबाग में वाक़ ज्वेलरी शॉप में हुई डकैती वारदात में मुलविस मुलजमीन गिरफ्तार, 24 लाख रुपये मालियती अशिया बरामद। चादरघाट पुलिस और साउथ ईस्ट टास्क फोर्स की कार्रवाई। देखते हैं खबरों की तफसील। बीआरएस कायदीन की जानिब से पार्टी वफादारियां बदलने का सिलसिला जारी है। इस सिलसिले के तहत साबिक वजीर पी महेंद्र रेड्डी और साबिक मेयर जीएचएमसी बी राम मोहन ने जुमा को उदयाला रेवंत रेड्डी से मुलाकात करते हुए कांग्रेस पार्टी में बाज़ाब्ता शमूलियत इख्तियार कर ली। इस मौके पर बीआरएस के दीगर कायदीन बशमूल सुनीता महेंद्र रेड्डी, बी श्रीदेवी यादव के अलावा प्रोफेसर बी नायक ने भी कांग्रेस में शमूलियत इख्तियार की। बीआरएस पार्टी को एक और सियासी धक्का लगा है। साबिक रियासती वजीर पी महेंद्र रेड्डी, जीएचएमसी के डिप्टी मेयर एम श्रीलता शोभन रेड्डी, साबिक मेयर बी राम मोहन, साबिक रुकन असेंबली कृष्णा रेड्डी, रंगारेड्डी जिले जेडपी की चेयरपर्सन टी अनीता रेड्डी कल वजीर आला रेवंत रेड्डी की मौजूदगी में कांग्रेस पार्टी में शमूलियत इख्तियार कर लेंगे। राय के मुताबिक इन तमाम लीडरान ने पहले ही वजीर आला रेवंत रेड्डी से मुलाकात की थी, उसके बाद से ही ये खयास आराइयाँ जारी थी कि वो बीआरएस पार्टी छोड़ सकते हैं। इत्तलात हैं कि कल ये तमाम लीडरान कांग्रेस पार्टी में शामिल हो जाएंगे। वाज़ गए कि हालिया दिनों में बीआरएस के बास खायरीन ने कांग्रेस में शमूलियत इख्तियार की है। तेलंगाना असेंबली का बजट इजलास जुमा को भी जारी रहा, जिसके दौरान हुक्मरान जमात ने ज़ात पर मुबनी मर्दुम शुमारी के सिलसिले में करारदाद भी पेश की। इस करारदाद के मुतफ़ा तौर पर तमाम जमातों ने तायद की। नगरामी असेंबली से जुड़ी खबरों पर तफसीली नजर डालेंगे मोहम्मद अख्तर के साथ। मजलिसी फ्लोर लीडर अकबरुद्दीन ओवैसी ने तेलंगाना असम्बली के बजट इजलास में हुकूमत की जानिब से ज़ात की बुनियाद पर सर्वे करवाने के सिलसिले में पेश करदा करारदाद की तायीद करते हुए बताया कि MIM ना तो BC तबक़ात और ना ही SC ST तबक़ात की तरक्की के लिए किए जाने वाले किसी भी इकदाम की मुखालिफत करेगी, लेकिन हुकूमत को मुसलमानों की तरक्की और फलाह के लिए भी इकदाम करने चाहिए। उन्होंने बताया कि कांग्रेस ने इंतखाबात के मौके पर मुसलमानों को 12% तहफ़ुज़ात BRS की जानिब से ना दिए जाने पर दिल खोल कर तनखीद की थी। इसलिए अकबर ओवैसी ने हुकूमत और कांग्रेस से मुतालबा किया कि अगर 12% तहफ़ुज़ात पर मुसलमानों को साबिक हुकूमत ने अमल नहीं किया है तो कांग्रेस हुकूमत ये काम कर दे, फिर सिर्फ़ MIM ही नहीं बल्कि रियासत के तमाम मुसलमान इसका खैर मकदम करेंगे। उन्होंने बताया कि मुल्क और रियासत के मुसलमानों ने नहरों से लेकर इंदिरा गांधी, लाल बहादुर शास्त्री, VP सिंह, चंद्रशेखर और IK गुजराल के अलावा मुरारजी देसाई तक हर एक का साथ दिया, लेकिन उनमें से किसी ने भी मुसलमानों की तरक्की के लिए कोई इकदाम नहीं किए। जबकि MIM मुसलमानों की तरक्की और फलाह बहबूद के लिए जदोजहद करती है तो उन पर BJP की B टीम होने का इल्ज़ाम आयद किया जाता है। उन्होंने कहा कि जिस तरह दीगर कायदीन ने दलितों, गिरिजनों, BC और ST तबक़ात के लिए सियासी जमातें कायम की हैं, इस तरह मजलिस ने मुसलमानों की तरक्की और उनकी फलाह बहबूद के लिए मजलिस का क़याम अमल में लाते हुए मजलिस ने 1960 से मुसलमानों की असम्बली में नुमाइंदगी की है।
मजलिसी फ्लोर लीडर अकबरुद्दीन ओवैसी ने बगैर बीएससी के ऐवान की कार्रवाई जारी रखने और इंतखाबी मंशूर में किए गए वादे पर करारदाद को पेश करने पर भी तनकीद की। और इस हकीकत से कोई इनकार नहीं कर सकता कि हिंदुस्तान के आजादी से लेकर आज की तारीख तक मुसलमानों ने हर एक का साथ दिया। मुसलमानों ने कभी नेहरू का साथ दिया तो कभी लाल बहादुर शास्त्री का साथ दिया, तो मुसलमानों ने कभी इंदिरा गांधी का साथ दिया, तो मुसलमानों ने कभी जनता पार्टी के नाम पर मुरारजी देसाई का साथ दिया, तो मुसलमानों ने नेशनल फ्रंट के नाम पे वीपी सिंह का साथ दिया, तो आई के गुजराल का साथ दिया और फिर चंद्रशेखर साहब का साथ दिया। और उसके बाद मुसलमानों ने हिंदुस्तान में कभी कांग्रेस को आजमाया ये समझ करके हमारी पसमानदगी दूर होगी, हमारी कमजोरी दूर होगी, तो मुसलमानों ने कभी इंदिरा गांधी का साथ दिया ये समझ कर कि हमारी पसमानदगी हमारी कमजोरी दूर होगी, तो कभी हमने वीपी सिंह का साथ दिया तो कभी देवगौड़ा का साथ दिया, हमने हर एक का साथ दिया लेकिन हमारी पसमानदगी वहीं की वहीं रही, हम पिछड़े थे पिछड़े हैं। लेकिन मैं ये बात जरूर कहूंगा कि अगर ये हिंदुस्तान के मुसलमानों की अकलियतों की अगर सूरत हाल है तो रियासत में भी अगर हम देखते हैं तो मुसलमानों ने कांग्रेस का साथ दिया, तो मुसलमानों ने तेलुगुदेशम का साथ दिया, तो मुसलमानों ने तेलंगाना के तश्कील के बाद में तेलंगाना राष्ट्र समिति जो आज भारत राष्ट्र समिति है इसका साथ दिया, तो हमने हर एक को आजमाया लेकिन हमारी पसमानदगी जू की तू रही और हम वहीं के वहीं खड़े रहे। लेकिन इस हकीकत से भी कोई इनकार नहीं करेगा कि 1960 के दहे में मजलिस इत्तेहाद अल मुस्लिमीन ने सबसे पहले आंध्र प्रदेश की असेंबली में दाखिला लिया और उसके बाद अपनी जिद्दोजहद के जरिए मुसलमानों की तालीमी माशी पसमानदगी को दूर करने के लिए मुसलसल नुमाइंदगी करती रही और हुकूमतों को मजबूर कराया, और उसका नतीजा यह हुआ कि आंध्र प्रदेश की रियासत हिंदुस्तान की पहली रियासत बनी जहां पे माइनॉरिटी कमीशन बना, माइनॉरिटी फाइनेंस कॉरपोरेशन बना, तो यह सबसे पहली थी रियासत। और यह भी हकीकत है कि मजलिस इत्तेहाद अल मुस्लिमीन की जिद्दोजहद के नतीजे में हिंदुस्तान में सबसे पहले माइनॉरिटी वेलफेयर की मिनिस्ट्री और माइनॉरिटी वेलफेयर डिपार्टमेंट भी कायम हुआ, तो यह मजलिस इत्तेहाद अल मुस्लिमीन की है। लेकिन यह भी एक हकीकत है कि इससे कोई इनकार नहीं कर सकता कि ऑपरेशन पोलो व पुलिस सेक्शन के नाम पर खलम की एक जुम्बिश के जरिए हमारे हजारों मुसलमानों को रोजगार से महरूम कर दिया गया। कानून ऐसे बनाए गए कि कभी एग्रीकल्चरल लैंड सीलिंग एक्ट के जरिए मुसलमानों के जमीनात को छीन लिया गया, कभी जागीर एबॉलिशन के नाम पे मुसलमानों के जागीरों और मनसबों को छीन लिया गया, तो कभी इनाम एबॉलिशन एक्ट के जरिए जमीनात को छीन ली गई। अरे जो तख्त ताज का वारिस था, जो कभी तख्त पे बैठा था, ताज था उसके सर पर, आजादी के बाद मुसलमान रक्षा ढकेलने पे मजबूर हो गया, बंडियों पे आ गया, उसके महलात वीरान हो गए और उसके तख्त ताज अजायब घर की जीनत बन गए। एक ऐसी दास्तान है मुसलमानों की पसमानदगी की कि अगर मैं कहूं तो ये कांग्रेस के हुकूमत से मैं कहूंगा कि मौलाना अबुल कलाम आजाद के उस जुमले को दोहराऊंगा कि मौलाना आजाद ने पुलिस सेक्शन के बाद हैदराबाद का दौरा किया था और कहा था कि पुलिस सेक्शन एक ऐसा नासूर है जो मैं अपने साथ अपनी खबर में ले जाऊंगा। इतना लाखों हजारों की तैदाद में इज्जतें लुटी, इस्मतें लुटी, हमारी आबादियां खाक की ढेर में तब्दील हुई, तबाहों बर्बादी के बाद आज मुसलमान खड़े होने की कोशिश कर रहा है, तो इस कोशिश में अगर कुछ मददगार अगर कोई साबित हो सकती है कोई चीज, तो मैं समझूंगा कि ज्यादा से ज्यादा एलोकेशन मुसलमानों के लिए, ज्यादा से ज्यादा मौके मुसलमानों के लिए, ज्यादा से ज्यादा रिजर्वेशन के जरिए मुसलमानों को नौकरी देना, इसके जरिए ही मुसलमानों की पसमानदगी को दूर किया जा सकता है। और मैं उम्मीद करूंगा, हर किसी से हमने उम्मीद लगाया लेकिन हर एक ने हमारे उम्मीदों को चिकनाचूर किया, हमने हर एक से आस लगाई
लेकिन हर एक ने हमारी आस को तोड़ा और आज हम ऐवानों में अपनी नुमाइंदगी के जरिए अपने मसाइल के हक के लिए लड़ते हैं, तो हमको बीजेपी का बी टीम कहा जाता है, हमको इनका नुमाइंदा कहा जाता है। क्या हमको हक नहीं हमारे हक के लिए लड़ने के लिए? क्या एक रेड्डी को हक है अपने हक के लिए लड़ने के लिए? एक कम्मा को हक है अपने हक के लिए लड़ने के लिए? एक वेलमा को हक है अपने हक के लिए लड़ने के लिए? एक राव को हक है अपने हक के लिए लड़ने के लिए? और एक एससी को हक है अपने हक के लिए लड़ने के लिए? एसटी को हक है, लेकिन हक नहीं है तो मुसलमान को क्यों? मुसलमान अपनी जिद्दोजहद ना करे, अपनी पार्टी ना बनाए, अपने नुमाइंदों को ना जिताए। वो चाहते हैं कि हम क्या किसी रेड्डी के दुम छल्ले बन जाए? नहीं, हम किसी के दुम छल्ले बनने तैयार नहीं है, न रेड्डी के, न राव के, न किसी के। हम अपने बलबूते पे जिद्दोजहद करेंगे, अपने हक के लिए लड़ेंगे, अपने हक को हासिल करेंगे। और वो हक तीसरी तेलंगाना असेंबली के दूसरे सेशन के सातवें रोज हुकूमत की जानिब से ज़ात की बुनियाद पर सर्वे करवाने के सिलसिले में पेश करदा करारदाद पर बात करते हुए वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने बताया कि साबिका यूपीए हुकूमत ने मुसलमानों की पसमानदगी का जायज़ा लेने के लिए सच्चर कमेटी तश्कील दी थी और तेलंगाना में मुसलमानों को तालीमी और मुलाजमत के शोबे में 4% तहफ़ुज़ात देने के इकदाम किए। इसी तरह कांग्रेस ने असेंबली इंतखाबात के मौके पर ज़ात की बुनियाद पर सर्वे करवाने और एससी तबकात के तहफ़ुज़ात में इजाफा करवाने का जो वादा किया था, इस पर ऐवान में करारदाद पेश करते हुए अपने इंतखाबी मंशूर में किए गए वादे को पूरा किया है। उन्होंने दावा किया कि कांग्रेस ने 2004, 2009 और 2023 में पेश किए गए इंतखाबी मंशूर पर अमल आवारी की है। तमर द्वारा नीन एम चपदलचुकुन्नाटे बड़गु बलहीन अल्पसंख्याक वर्गाल अभ्युन्नतिकि निरंतरं पाटुपड्ड चरित्र कांग्रेस पार्टीदि। अंदुलो भागंगाने कांग्रेस नेतृत्वंलो उन्न यूपीए वन संदर्भंगा मैनारिटील योक्क अभ्युन्नति कोसं वाळ्ळ आर्थिक स्थितिगतुलनु अंचना वेसि वाळ्ळ मेलु कोसं वाळ्ळ अभिवृद्धि कोसं चर्यलु चेपट्टालनि अन्नाडु जस्टिस राजेंदर सचारकम नेतृत्व में देश में मुस्लिम मैनारिटी स्थितिगत अध्ययना उन्नत स्थाई कमिटी वेयर जारी अध्यक्ष आ रोज आ कमिटी समग्र अध्ययन चर्चा सिफारस आधार मुस्लिम मैनारिटी अभ्युन्नति की कन्वीनर रीति आ रोज प्रभुत्म चर्चे अभी चरत्र कांग्रेस पार्टी तस्कना निर्णया मन कल मुंधना ఇలాంటి అనుభవాలన్నిటిని క్రోడీకరించి మన రాష్ట్రంలో ప్రధానంగా అన్ని వర్గాలకు సంబంధించిన సమాచారాన్ని సేకరిస్తూనే వెనుకబడిన తరగతుల వారి యొక్క అభ్యున్నతి కోసం వారికి అవసరమైన ఆర్థిక సహాయాన్ని అదేవిధంగా రాజకీయంగా కానీ విద్యాపరంగా కానీ ఉద్యోగపరంగా కానీ అన్ని రకాలుగా ఆ వర్గాలకు ప్రభుత్వం అండగా నిలబడాలన్న ఆలోచనతోనే మా నాయకుడు పార్లమెంట్ సభ్యుడు రాజీవ్ గాంధీ గారు వారసుడిగా రాహుల్ గాంధీ గారు ఏదైతే మాట ఇచ్చినరో ఆ మాటను నిలబెట్టడానికి ఈరోజు ఈ ప్రభుత్వం పూర్తి స్థాయిలో ప్రయత్నం చేస్తుంది. అందుకే ఈరోజు ఏ విధంగా అయితే సచార్ కమిటీ ద్వారా మైనారిటీ వర్గాలకు మేలు జరగడానికి నిర్ణయాలు తీసుకున్నామో ఈరోజు కూడా ఈ సభలో శాస్త్రీయ పరంగా ఒక అంచనా సమగ్ర ప్రణాళికలు విధానాలను రూపొందిస్తాం. ఇందులో మరి ఎందుకు మా సభ్యులకు లేకపోతే సీనియర్ శాసనసభ్యులు మంత్రిగా వారికి సుదీర్ఘమైన అనుభవం ఉంది కడియం శ్రీహరి గారు. बीआरएस अराकीन असेंबली कड़ियम श्रीहरी और जी कमलाकर ने तेलंगाना असेंबली में कांग्रेस हुकूमत की पेश करदा करारदाद की बीआरएस की जानिब से तायीद करते हुए बताया कि बीआरएस ने भी जामे सर्वे करवाते हुए रियासत के तमाम तबकात के साथ इंसाफ करने के इकदाम किए। बीआरएस अराकीन असेंबली ने हुकूमत से मुतालबा किया कि ज़ात की बुनियाद पर किए जाने वाले सर्वे को क़ानूनी शक्ल देना वक्त की अहम ज़रूरत है। उन्होंने बताया कि बीआरएस ने अपने 10 साल दौर इक़्तदार में बीसी तबके की तरक्की के लिए बेहतर से बेहतर इकदाम किए थे।
ప్రభుత్వ పరంగా అనుమతి ఇవ్వడం జరిగింది అధ్యక్ష 2016లో నేను అప్పుడు డిప్యూటీ సీఎంగా ఉన్నప్పుడు మనోహర్ పారికర్ అని డిఫెన్స్ మినిస్టర్ గారు ఉండేది అధ్యక్ష చనిపోయారు పాపం ఆయన వారి దగ్గరికి స్వయంగా వెళ్ళి తెలంగాణకు సైన్స్ స్కూల్ కావాలని అడిగి తీసుకుని రావడం జరిగింది నా కాన్షియన్స్లో పెట్టాలని అప్పుడు పెట్టాము అధ్యక్ష 2017లో అగ్రిమెంట్ కూడా జరిగింది డిఫెన్స్ మినిస్ట్రీతో అని అయితే 49 ఎకరాల 32 గుంటలకు ల్యాండ్ అలీనేషన్ కూడా ప్రపోజల్స్ పంపించాము అవి సీసీఐ దగ్గర ఉన్నాయి అధ్యక్ష నేను ఈ మధ్య ఒక వార్త చూసాను అధ్యక్ష స్టేషన్ గన్పూర్కు మంజూరైన సైనిక్ స్కూల్ను తరలించి సికింద్రాబాద్ కంటోన్మెంట్లో ఏర్పాటు చేయాలనే ఒక ఆలోచన ప్రభుత్వం చేస్తున్నట్టుగా तेलंगाना असेंबली के बजट इजलास में हुए वक्फे सिफर के दौरान मुख्तलिफ पार्टियों के अराकीन ने मुतालिका हलकों के मसाइल को उठाया और स्पीकर से अपील की कि हुकूमत इस सिलसिले में ज़रूरी कार्रवाई करे। अलगामी वक्फे सिफर में हुई कार्रवाई के बारे में तफसीली तौर पर खबरें देखेंगे। मजलिस इत्तेहाद अल मुस्लिमीन की रुकन असेंबली अहमद बलाला ने रात के औकात में जल्द बाजार की बंदिश से रोजगार के मुतासिर होने पर हुकूमत की तवज्जो दिलाई। रुकन असेंबली अहमद बलाला ने हैदराबाद साइबराबाद और अच्छाकुंडा के हदूद में रात के औकात में जल्द बाजार बंद करवाने की बजाय रात 1 बजे तक कारोबार में छूट देने की मांग की है। रुकन असेंबली अहमद बलाला ने कहा कि जल्द बाजार बंद करवाने से रोजगार मुतासिर हो रहा है, रात के औकात में सख्ती के साथ जल्द बाजार बंद करवाए जा रहे हैं से आवाम को मुश्किलात पेश आ रही है और औकात में कमी से रोजगार भी मुतासिर हो रहा है। उन्होंने हैदराबाद साइबराबाद और अच्छाकुंडा में रात 1 बजे तक कारोबार करने की छूट देने की मांग की है। रुकन असेंबली अहमद बलाला ने कॉन्ट्रैक्ट नर्सेस के साथ जारी नाइंसाफी पर भी हुकूमत को तवज्जो दिलाई और उन्हें जल्द जोनल सतह पर तायुनात करने की मांग की। अहमद बलाला की अपील पर मुतालिका वजीर ने कहा कि माह रमजान में रात के औकात में देर तक छूट दी जा सकती है लेकिन आम दिनों में लॉ एंड ऑर्डर के मसाइल पैदा होंगे। तहम मुतालिका वजीर ने कहा कि रुकन असेंबली अहमद बलाला के साथ बातचीत करते हुए वजीर आला से नुमाइंदगी की जाएगी कि आज हैदराबाद साइबराबाद और अच्छाकुंडा के अंदर एक ज़माने से हैदराबाद की रिवायत रही है वो रिवायत का सबूत खुद हमारी असेंबली है क्योंकि पूरे हिंदुस्तान के अंदर असेंबली सुबह 8 बजे चालू होती है, हमारे 10 बजे चालू होती है। तो हमारे पास हैदराबाद में लोगों को रात में जागने की सुबह देर तक सोने की आदत है। तो मैं आपके ज़रिए हुकूमत से कहूँगा कि ये तीनों साइबराबाद रच्चाकुंडा हैदराबाद के अंदर रात में 11 बजते ही होटलों को बहुत सख्ती के साथ बंद करा दिया जा रहा है। तो उसके पहले 1 बजे तक खुले रहते थे तो लोगों को और तकरीबन रात में काम करने वाले लोगों को भी उसमें तनख्वाह मिलती है, रोज़गार मिलता है और बहुत ज़्यादा पुलिस की सख्ती हो गई है। हाँ, ये ज़रूर है कि गवर्नमेंट ये बता, जैसे ही रिजीम चेंज हुआ एवरीबडी हैज़ फील द चेंज, नाउ द टाइमिंग कैन बी चेंज हमारे मिनिस्टर साहब। तो मैं आपके ज़रिए हुकूमत आपको आपके ज़रिए आपसे गुजारिश करूँगा कि रात में 1 बजे तक टाइम दिया जाए, उन लोगों को बहुत ज़्यादा तकलीफ़ हो रही है। और उसके साथ मैं ये भी कहूँगा साहब कि ये कॉन्ट्रैक्ट नर्सेस के साथ भी बहुत नाइंसाफ़ी हो रही है, उनको जोन वाइज जब तक डिवाइड नहीं किया जाएगा ये लोग नाइंसाफ़ी का शिकार हो रहे हैं। उसके ऊपर भी आप जल्दी अगर से आप कोई कार्रवाई करें तो उनको भी राहत मिलेगी। थैंक यू डॉक्टर मिनिस्टर स्पीकर साहब। हाँ, बोले मैंने तो बोले रमजान का सीजन में थोड़ा शार्प थोड़ा एक्सटेंशन के वास्ते दिए मगर पूरा नाइट रहे साहब। अब ये 24 देना बोलते हो लैंड ऑर्डर का प्रॉब्लम होते तो मैं नोट करके ऑनरेबल सीएम साहब को भेज देंगे साहब, ऑनरेबल सीएम साहब का परमिशन लेके और आपसे डिस्कस करेंगे। मजलिस इत्तेहाद अल मुस्लिमीन की रुकन असेंबली जाफर हुसैन मिराज ने हल्के असेंबली याकूतपुरे में मौसम में बरसात में बारिश के पानी से पैदा मसाइल पर हुकूमत को तवज्जो दिलाई। रुकन असेंबली जाफर हुसैन मिराज ने कहा कि पानी की नक्कासी के बेहतर इंतजामात ना होने के बायस बारिश का पानी ना सिर्फ सड़कों पर ठहर जाता है बल्कि इससे माली नुकसान भी होता है। उन्होंने कहा कि जब माजी में हल्के चंद्रायन गुट्टे में भारी बारिश के बायस अवामी इमलाक को नुकसान पहुँचा था तो कायदे मुकन्नना ने इसकी पाबजाई की कामयाब कोशिश की थी।
रुकन असम्बली जाफर हुसैन मिराज ने बारिश के पानी की नक्काशी के लिए बेहतर इंतजाम करने और मौजूदा नालों की सफाई पर जोर दिया। मुतल्लिका वज़ीर कोमट रेड्डी वेंकट रेड्डी ने जवाब में साबिका हुकूमत की नाअहलियों का जिक्र करते हुए इस मसले को दूर करने का तयखुन दिया है। एक तूफानी बारिश आई थी, हेवी रेन हुई थी सर, जिसके अंदर ओल्ड सिटी काफ़ी जगह के ऊपर ओल्ड सिटी में 10-10 15-15 फीट पानी भी आ गया था सर, जिसमें मेरी कॉन्स्टेंसी याखुदपुरा भी है। ये एक्चुअली ये पानी जो आने की रीज़न भी ये है सर कि प्रॉपर डिसिल्टिंग नहीं होने की तरफ से आया था। जैसा चंद्रायन गुट्टे के अंदर पानी आया तो हमारे पार्टी फ्लोर लीडर ने काफ़ी लोगों के बिजनेसेस जो भी ख़त्म हो गए थे उनको रीएस्टैब्लिश कराया। कोई ऑटो वालों के ऑटो ख़राब हो गए थे उसको ऑटो बना कर दिया, कैब्स जो थे वो बना कर दिया, उसके अलावा घर के आर्टिकल्स भी सब करके दिया सर। तो मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ सर, अगर फर्ज करिए हेवी रेन आती है तो हमारे पास क्या मेकानिज़म है उसके ऊपर भी गौर करने की ज़रूरत है साहब। तो और एक चीज़ ये है सर कि अगर आप प्रॉपर डिसिल्टिंग कर देंगे तो मैं समझता हूँ अगर हेवी रेन भी आएगी तो काफ़ी सहूलत होगी सर। मेरे पास में एक मुर्गी नाला जाता है जो याखुदपुरा स्टेशन के पास में सर, वहां पर तीन बंड है, तीन बंड में दो बंड पूरे फुल हो गए सर, एक बंड वैसे ही चल रहा। तो मैं ये चाहता हूं कि पूरे के पूरे बंड क्लियर होना सर, और गंगानगर नाले का काम चल रहा सर, गंगानगर नाले का काम को बरसात से पहले रेनी सीजन से पहले कंप्लीट करना सर। डबिलपुरा नाला है सर, उसको भी रेनी सीजन से पहले कंप्लीट करना बेइंतहा जरूरी है सर। और जितने भी लो लेइंग एरिया है सर वहां पर प्रॉपर डिसिल्टिंग होना बहुत जरूरी है सर। इसीलिए मैं आपके जरिए से हुकूमत से यह ख्वाहिश करना चाहता हूं कि अब की मर्तबा हैदराबाद में बोट्स चलने मत दीजिए सर। यह शहर बहुत खूबसूरत शहर है सर, इसको आपको लाज रखना है, मुझे यह मौका देने का आपका बहुत बहुत शुक्रिया सर। गौरव जनाब जो एमएलए साहब बोले थे वो नोट कर लिए साहब, एक ही बोले थे नाला। पहली बार जो सीएम बने थे हमारा केसीआर साहब, एक स्टेटमेंट दिए थे, मैं प्रेसमेंट देखा था उसको, ऊपर से गए तो ये हैदराबाद बोल के मालूम कर सकते, छोटा बारिश आए तो रोड पूरा लेक बन जाते, उस पर गाड़ी नहीं चलता, ये शिफ्ट में से जाना पड़ता है, ये हैदराबाद है बोल के। पर 10 साल वो लोग रूल कर रहे साहब, एक स्ट्रांग वाटर ड्रेन नहीं बनाए साहब, एक स्ट्रांग वाटर ड्रेन बनाए। परसों परसों एक दो चार एसटीपी को टेंडर को बुलाया केटीआर साहब ने, और स्ट्रॉन्ग वाटर ड्रेन इम्पॉर्टेंट है साहब, उसमें हम मूसी के साथ साथ ये स्ट्रॉन्ग वाटर बनाने का डबीरपुरा हो या राजभवन हो या सीएम का घर में हो, जब केसीआर साहब बोलते थे राजभवन और सीएम घर का घर में छोटा बारिश आए तो पूरा नाला बन जाते समुंदर बन जाते बोल के बोले साहब, अभी भी वही पोजिशन है। हमारा एमएलए साहब भी वही बोले, हम इसके ऊपर हमके उसके ऊपर मूसी के साथ ये भी मसला हटाने के वास्ते हम कोशिश करते सब। मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन के हलके बहादुरपुरा रुकन असम्बली मोहम्मद मुबीन ने भी ऐवान असम्बली में अपने अवलिन खिताब में हलके के मसाइल पर तवज्जो दिलाई। उन्होंने मिनी बसों या आम बसों की अदम खिदमात पर इजहार ख्याल किया। मोहम्मद मुबीन ने हलके में तिगल कुंटे से चार मीनार और चार मीनार से सेक्रेटेट तक बस खिदमात फराहम करने की भी मांग की। मजलिस रुकन असम्बली मोहम्मद मुबीन ने कहा कि हसन नगर अंसारी रोड समेत चार मीनार से मधुबन तक भी बस खिदमात फराहम की जाए। उन्होंने कहा कि बस खिदमात की अदम मौजूदगी से हलके की आवाम को मुश्किलात दरपेश हैं। बहुत बहुत शुक्रिया स्पीकर साहब, पहली बार ऐवान असम्बली के अंदर मौका मिला है आने का। मैं हमारे पार्टी के सदर जनाब असदुद्दीन ओवैसी साहब मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का मैं शुक्रिया अदा करता हूं, साथ ही साथ जनाब अकबरुद्दीन ओवैसी साहब कायद ऐवान मुखन्ना अकबरुद्दीन ओवैसी साहब का भी मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। हलका असम्बली बहादुरपुरे में आरटीसी का इतना बड़ा फ़र्कनुमा बस डिपो है, उसके बावजूद भी हमारे हलके के अंदर मिनी बसेस हो या कोई बड़ी बस वहाँ पर नहीं चलाई जाती, जो तिगल कुंटे से लेकर चार मीनार तक और चार मीनार से लेकर सेक्रेटेट तक और जिस तरीके से हसन नगर अंसारी रोड मुस्तफ़ा नगर
और दीगर इलाके जात के अंदर छोटे छोटे गलियां हैं, उसके बावजूद भी मिनी बसेस को वहां पर नहीं चलाया जा रहा है। और चार मीनार से लेकर मधुबन और चार मीनार से लेकर वट्टापल्ली तक मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि ये जो बसेस है वहां पर चलाए जाए तो बेहतर होगा, क्योंकि हमारे पास एक आईटीआई का बहुत बड़ा कॉलेज है ओल्ड सिटी का और पॉलिटेक्निक है। कई बच्चे जू पार्क से वहाँ पर पैदल आते हैं, चार मीनार जू पार्क पर उतरते हैं, वहाँ से रोड क्रॉस कर कर वो लोग कॉलेज को आना पड़ता है। तो मैं आपसे गुजारिश करूँगा कि इसके ऊपर आप गौर करें और साथ ही साथ इन बसों को चलाया जाए तो बड़ी मेहरबानी होगी। शुक्रिया। मिनिस्टर स्पीकर साहब, जनाब साहब, MLA साहब बोले तो लिख लिया साहब, वो RTC कंसर्न RTC MD का और ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर को आपका मसले के बारे में उसको भेजेंगे, जरूर उस पर ऊपर एक्शन लेंगे। मजलिस इत्तेहाद अल मुस्लिमीन के कारवान के रुकन असम्बली कौसर मुहीउद्दीन ने हल्के असम्बली कारवान के मुख्तलिफ इलाकों में आलूदा पानी के मसाइल पर हुकूमत को तवज्जो दिलाई। रुकन असम्बली कौसर मुहीउद्दीन ने कहा कि ज़ियागुड़ा, कारवान, गोलकुंडा, हकीमपेट और मोहम्मदी लाइन समेत दीगर सलम इलाकों में आलूदा पीने का पानी पहुँच रहा है। उन्होंने कहा कि महकमे वाटर वर्क्स में बार बार तवज्जो दहानी के बावजूद हनूज ये शिकायत दूर नहीं की जा सकी। रुकन असम्बली कौसर मुहीउद्दीन ने कहा कि महकमे वाटर वर्क्स सेक्शन मैनेजर की अदम मौजूदगी के बायस इन शिकायत को दूर करने से खासिर है। उन्होंने माह रमज़ान की आमद के पेश नज़र इस मसले की जल्द यकसोई की मांग की और माह रमज़ान में सड़कों की सफाई पर तवज्जो देने पर भी जोर दिया। स्पीकर साहब, मैं आपके ज़रिए हुकूमत को ये बताना चाहूँ कि मेरे हल्के कारवान के अंदर जो वाटवर्स की जानिब से जो 7 सेक्शन हुआ करते थे, जिसके अंदर आज मौजूदा पिछले 1 महीने से जो मैनेजर्स होते हैं सेक्शन के, वो 3 मैनेजर हो चुके हैं। और ख़ास तौर से मेरे हल्के कारवान के अंदर कई जगह पर ऐसे स्लम लोकेलिटीज़ है, वहाँ पर चाहे वो ज़ियागुड़ा हल्का हो या कारवान हो या गोलकुंडा हो या हकीमपेट हो या मोहम्मदी लाइन, उन तमाम इलाके जात के अंदर आज पिछले 1 महीने से मैं कई मरतबा वाटवर्स के GM, CGM, डायरेक्टर ऑपरेशन को भी इत्तला किया कि कई इलाके जात के अंदर पोल्यूशन का पानी आ रहा है। मगर इन तमाम की वजह यह है कि जो सेक्शन मैनेजर ना होने की वजह से ये कई कंप्लेंट अटेंड नहीं कर सक रहे। और दूसरी बात स्पीकर साहब, जो पिछले कई महीनों से मेरे हल्के कारवान के अंदर और कई जगह पर जो एटक गाड़ी होती है, कहीं ओवरफ्लो होने की वजह से एटेक गाड़ी जाकर वहाँ पर अटेंड कर सकती, मगर आज वो एटेक गाड़ियाँ जो पिछले कई सालों से चल रहे थे वो 10 साल मुकम्मल होने के बाद से उन तमाम एटेक गाड़ियों को निकाल दिया गया। और एटेक गाड़ी ना होने की वजह से कई जगह पर पोल्यूशन और ख़ास तौर पर मेन रोडों पर जो प्रॉब्लम्स हो रहे हैं, उन तमाम जगहों पर आपको ख़ास तौर से ये बताना चाह रहा हूँ। और तीसरी बात ये स्पीकर साहब, क्या आने वाला 1 महीने के अंदर जो रमज़ान का महीना है और उस रमज़ान के महीने के अंदर अगर ये गंदा पानी पोल्यूशन का पानी पिलाने से मैं समझता हूँ रोज़दारों को और आवाम को भी काफ़ी तकलीफ का सामना करना पड़ता है। स्पीकर साहब, मैं आपके ज़रिए ये भी बताना चाह रहा हूँ कि आज से एक 20 दिन में आने वाला रमज़ान का महीना है, उस रमज़ान के महीने के अंदर आप देखते होंगे कहीं मस्जिद के पास, कहीं मेन रोडों के ऊपर जो GHMC की जानिब से जो सैनिटेशन का जो प्रॉब्लम चल रहा है, जो दीगर कंपनियां वहां पर लेबर ना होने की वजह से, लारिश ना होने की वजह से जो गार्बेज को लिफ्ट नहीं कर सक रहे हैं, आपके जरिए हुकूमत को ये बताना चाह रहा हूं स्पीकर साहब, मैं शुक्रिया। मंजीसी रुकन असम्बली मीर जुल्फ़िकार अली ने असम्बली में वक्फ़े सिफर के दौरान बात करते हुए वज़ीर आला रेवंत रेड्डी से मुतालबा किया कि माह रमज़ान में बग़ैर किसी कटौती के बरखी सरबराह करने के इकदाम किए जाएँ। इस सिलसिले में शहर के तमाम असम्बली हल्के जात के ट्रांसफार्मर्स को बेहतर बनाने के लिए इकदाम किए जाएँ। अली जनाब स्पीकर साहब, मैं सबसे पहले आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने मुझे यहाँ पर बोलने का मौका दिया। मैं आपकी जानिब से CM साहब को इस बात की तवज्जो दिलाना चाहता हूँ कि
माह रमज़ान के लिए अभी एक महीना भी बाकी नहीं है, रमज़ान का महीना आ रहा है। आज तमाम ट्रांसफार्मर्स को एनहांस करने की ज़रूरत है, क्योंकि रमज़ान में अगर लाइट ज़्यादा जलती है, करंट ज़्यादा जलता है और पावर का इस्तेमाल ज़्यादा होता है, अगर से करंट अगर चले आता है तो रोज़दारों को तकलीफ़ होती है, क्योंकि धूप काले में समर में रमज़ान आ रहा है। और तमाम ट्रांसफार्मर्स को मेंटेनेंस जल्द से जल्द करवाइए और केबल्स का वर्क करवाइए, लक्स का वर्क कराइए और HRC का कराइए, ताकि रोज़दारों को तकलीफ ना हो। और एनहेंस तमाम ट्रांसफार्मर्स को एनहेंस कराइए, क्योंकि करंट ज़्यादा जलता है। शहर हैदराबाद के तमाम ट्रांसफार्मर्स को करवाइए एनहेंसमेंट। शादनगर के युक्त असम्बली वी शंकर ने वक्फे सिफर में बात करते हुए कहा कि लक्ष्मी देवी ने कहा है कि पालमो लिफ्ट प्रोजेक्ट का 80% काम मुकम्मल हो चुका है, लेकिन शादनगर को इस प्रोजेक्ट से अब तक ना तो फसलों के लिए आबी सरबराही अमल में लाई जा रही है और ना ही पीने का पानी सप्लाई किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि मिशन भगीरथा में लीकेज हो गया है। युक्त असम्बली ने कहा कि मुस्तहकीन को अब तक डबल बेडरूम भी फराहम नहीं किए गए और जिन मकानात की तामीर मुकम्मल हुई है वो भी नाकाबिल इस्तेमाल हैं। पालमूर एत्तिपोतल पथकम पूर्तयिते शादनगर गूडंगा तागनीटिकी सागनीटिकी कटकटा उंदे अध्यक्ष। शादनगर एत्तैन प्रांतम, तागुनीर लेक सागुनीर लेक रैतुलु इब्बंदि पड़ता उन्नारु। इवल्ल ई योक्क पालमूर 72 जीवो गूडंगा मरी తెలంగాణ ఉద్యమం కంటే ముందు 72 జీవో కూడా ఇష్యూ కాబడ్డది, దాని ప్రకారం కాకుండా తమరందరికి తెలుసు ఆ కార్యక్రమం మరి 5 లిఫ్టులు 6 రిజర్వాయర్లు అని చెప్పి बीजेपी युक्त असम्बली राकेश रेड्डी ने बताया कि आरमूर के लड़कियों के हॉस्टल में 100 लड़कियों की बजाय 200 से ज़ायद लड़कियों को रखने की वजह से कई मसाइल दरपेश हो रहे हैं। उन्होंने बेहतर हॉस्टल कायम करने का मुतालबा किया। कोडंगल नमूना कोडंगल इंटीग्रेटेड ग्रुप अध्यक्ष मी द्वारा गौरव मुख्यमंत्री गारी मॉडल कोडंगले काकुंटा ना आरमूर इंकोक मॉडल तीसुकोवालनी 100 कोट्ल गुरुकुलंकु ఆ 2,000 మంది అమ్మాయిలు ఎస్సీ ఎస్టీ మైనారిటీ ఆడబిడ్డలు వాళ్ళకు కూడా మొదటిసారి అవకాశం ఇవ్వమని మీ ద్వారా కోరుకున్నా అధ్యక్ష. రెండోది 100 బెడ్స్ హాస్పిటల్ ఉంది అధ్యక్ష, అది పేరుకే 100 బెడ్ 10 బెడ్లకు సరిపడ డాక్టర్స్ లేరు, నర్సెస్ లేరు, ఎక్విప్మెంట్స్ లేవు. గౌరవ మంత్రి గారిని కూడా కలవడం జరిగింది నిజామాబాద్ జిల్లాకు వచ్చినప్పుడు, ఒక అంబులెన్స్ అని ఇవ్వండి అన్నాను అడిగాను, అంబులెన్స్ కూడా రాలేదు అధ్యక్ష. 2 నెలల నుంచి మంత్రులను అడుగుతున్నాను, దయచేసి పేదవాడికి ఉన్న ఒకే ఒక్క డబ్బు ఉన్న వాళ్ళు ఎవరు హాస్పిటల్కి వెళ్ళరక్క అధ్యక్ష. దయచేసి మీ ద్వారా గౌరవ మంత్రులకు నా హాస్పిటల్ కావాల్సిన కేడార్ స్ట్రెంత్ అండ్ ఎక్విప్మెంట్స్ ఇప్పించగలని కోరుకుంటున్నాను అధ్యక్ష. మూడోది कांग्रेस युक्त असम्बली विवेक वेंकट स्वामी ने बताया कि साबिक BRS हुकूमत का शुरू करदा प्रोग्राम मिशन भगीरथा मुकम्मल तौर पर नाकाम हो गया है, इसलिए वज़ीर आला रेवंत रेड्डी से उन्होंने मुतालबा किया है कि उनके हल्के असम्बली में 100 बोरवेल की मंजूरी दी जाए। इंतकमुंदु मा सोदरुडु चेप्पिनट्टु मिशन भगीरथा ओक पेद्द फेल्यूर अध्यक्ष, चेन्नूर नियोजकवर्गंलो नेनु क्यांपेनिंग की वेल्लिनप्पुडु अन्नि चोट्ल कूडा ఇదే కోరడం జరిగింది. మాకు మంచి నీటి సౌకర్యం లేదు, మాకు బోర్వెల్స్ కావాలి, ఈ మిషన్ భగీరథి మొత్తం ఫెయిల్యూర్ అని చెప్పి ప్రజలందరూ కూడా క్యాంపెయినింగ్లో కోరడం జరిగింది. వాళ్ళు అప్పుడు గుర్తు చేసుకున్నారు, సార్ మీ హయాంలో మీరు వెంకటస్వామి ఫౌండేషన్ విశాఖ చారిటబుల్ ట్రస్ట్ ద్వారా ఇన్ని బోర్వెల్స్ వేయించారు, మళ్ళీ మీరు బోర్వెల్స్ వేయించాలని చెప్పి చాలామంది డిమాండ్ చేయడం జరిగింది. మొన్న ముఖ్యమంత్రి గారు రివ్యూ మీటింగ్లో
ఈ మిషన్ భగీరథ గురించి చర్చించేటప్పుడు నేను వారిని కోరినాను, ఒక 100 బోర్వెల్ మా కాన్స్టిట్యూన్సీకి ఇస్తే బాగుంటుందని చెప్పి వారిని కోరడం జరిగింది. వాళ్ళు ఇదే అన్నారు, రాష్ట్రంలో బోర్వెల్స్ వేయడానికి పర్మిషన్ లేదు, మిషన్ భగీరథి ఎందుకు సరిగా మీ దగ్గర అమలు కాలేదని చెప్పి ఒక बीआरएस रुकन असम्बली जी कमलाकर ने बताया कि मूसा नदी प्रोजेक्ट का काम साबिक बीआरएस दौर इख्तदार में 70% पाए तकमील हो चुका था, माबाकी 30% काम पाए तकमील करने के सिलसिले में फौरी तौर पर फंड्स जारी किए जाएं। ऑलरेडी ये माने रिवर हम लोग भागना स्टार्ट जैसे दर्जे अध्यक्ष दान और दान तरवा था 400 यहाँ पे कोटल तोटी अप्रोच दिसकुनम टेंडर प्रोसेस स्टार्ट है अध्यक्ष इरिगेशन मरियो आरएनबी मरियो टूरिज्म मूड डिपार्टमेंट द्वारा ఒక మాన రివర్ఫ్రంట్ స్టార్ట్ చేయడం జరిగింది అధ్యక్ష. అధ్యక్ష మొన్ననే గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారు రేవంత్ రెడ్డి గారు మూసీ రివర్ ఫ్రంట్ను టేకప్ చేద్దామని చెప్పారు అధ్యక్ష. నేను ఇక్కడ ఫైనాన్స్ మినిస్టర్ గారు ఉన్నారు, వారిని కూడా రిక్వెస్ట్ చేస్తాను అధ్యక్ష, ఎలాగైతే మూసీ రివర్ ఫ్రంట్ను మీరు కొత్తగా స్టార్ట్ చేస్తారో ఆల్రెడీ ఎగ్జిస్టింగ్ ప్రాజెక్టు ఆల్మోస్ట్ ఆల్ 70% వర్క్స్ కంప్లీట్ అయిపోయినాయి, మిగతా 30% కంప్లీట్ చేస్తే అది రాష్ట్రానికి కూడా ఒక పర్యాటకులు ఆకర్షితంగా ఉంటుంది, మళ్ళీ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం కూడా రెవెన్యూ క్రియేట్ అవుతుంది కాబట్టి ఆ ఒక పెండింగ్ వర్క్స్ ఎక్కడెక్కడ ఉన్నాయో ఆల్రెడీ దాని మీద సబర్మతి రివర్ ఫ్రంట్ స్టడీ చేసిన అధ్యక్ష, సౌత్ అమెరికాలో సౌత్ ఆఫ్రికా సౌత్ కొరియాలో ఉన్న యోసో కూడా వేయడం జరిగింది అధ్యక్ష, ఆల్మోస్ట్ టెండర్ అయిపోయింది, వర్క్ కూడా స్టార్ట్ అయింది అధ్యక్ష. సో 70% వర్క్ तेलंगाना हुकूमत मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन की सरगर्म नुमाइंदगी के बायस पुराने शहर के ट्रैफिक मसाइल को भी हल करने की यकीन दहानियां करवा रही हैं। सरकारी हकाम ने कहा है कि फलकनुमा से चंद्रान गुट्टे तक के ट्रैफिक मसाइल को हल करने के लिए ज़ेर तामीर फलकनुमा रेल ओवर ब्रिज से मुतसिल ब्रिज की तामीर भी 3 माह के अंदर मुकम्मल कर ली जाएगी। बताया जाता है कि मजलिस की बार बार नुमाइंदगी के बायस फलकनुमा रेल ओवर ब्रिज से मुतसिल ब्रिज की तामीरी कामों की रफ्तार में इजाफा कर दिया गया है और ये भी कहा गया है कि सरकारी हकाम इस नए ब्रिज की तामीर को जल्द मुकम्मल करना चाहते हैं। शहर हैदराबाद में आज जुमे को ऑटो रिक्शा और कैब ड्राइवर्स मालिकान ने एक रोज़ा बंद की कॉल दी है। ऑटो रिक्शा और कैब हड़ताल के बायस हमल नकल खिदमात मुतासिर हुई जबकि ऑटो रिक्शा और कैब सर्विस बंद रही। बताया जाता है कि ड्राइवर्स की जानिब से नए भारतीय न्याय संहिता 2023 के तहत हिट एंड रन केसों में कैद की सज़ा में इजाफे के खिलाफ यह एहतजाज किया जा रहा है। इसके अलावा ऑटो और कैब ड्राइवर्स रियासती हुकूमत की जानिब से खवातीन को मुफ्त बस सफ़र की महालक्ष्मी स्कीम की भी खालिफत कर रहे हैं। बंद के साथ ही बागलिंगमपल्ली से नारायणगुड़ा फ्लाईओवर तक रैली भी निकाली जाएगी। ऑटो और कैब की हड़ताल से आवाम को मुश्किलात दरपेश हो रही हैं। ऑटो ड्राइवर्स ने कहा है कि महालक्ष्मी स्कीम से उनकी आमदनी मुतासिर हो रही है और उन्हें ऑटोस की ईएमआई की अदायगी में भी मुश्किल पेश आ रही है। उन्होंने कहा कि खवातीन के लिए मुफ्त बस सफ़र से उनकी माली मुश्किलात बढ़ गई है, इसलिए रियासती हुकूमत से माहाना 18,000 रुपये की माली इमदाद की उन्होंने मांग की है। IIT हैदराबाद के तालिब इल्म शेख मुजम्मिल अहमद की हरकत कल्ब बंद हो जाने से मौत हो गई। मुतवफ़ी नौजवान के अहल खाना जो कि टोली चौकी में मुकीम है उनको जुमे के रोज़ कनाडा में उनके दोस्त की तरफ से मौत के बारे में कॉल मौसूल हुई। शेख मुजम्मिल अहमद दिसंबर 2022 में कनाडा में मास्टर्स कर रहे थे और गुज़िश्ता एक हफ्ते से वायरल बुखार में मुब्तला थे। जुमे को उनके वालिद शेख मुजफ़र अहमद समेत अहल खाना को कनाडा में उनके दोस्त का फ़ोन आया कि वो हरकत कल्ब बंद होने से इंतकाल कर गए।
कनाडा में मुकीम हैदराबादी तालिब इल्म की अचानक हुई मौत के बाद टोली चौकी में वाक़े मरहूम के घर पर गम का माहौल देखा गया। लाश को हैदराबाद लाने के सिलसिले में सदर मजलिस बैरिस्टर सोदीन वैसी ने मरकजी वजारत खारजा से नुमाइंदगी की है और मुसलसल इस सिलसिले में रबते में हैं। उधर जानी मजलिसी रुकन असम्बली हल्के कारवान कौसर मुहीउद्दीन ने डिवीजन कॉरपोरेटर्स मोहम्मद नसीरुद्दीन और हारून फरहान के हमरा मरहूम के मकान वाक़े टोली चौकी पहुँच कर मुलाकात की और पुरसा भी दिया। हैदराबादी तालिब इल्म मुजम्मिल कनाडा में वाक़े वाटरलू यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट बताए गए हैं। मदरसा मुनव्वर मदीना की जानिब से जलसे तकमील हिफ्ज़ कुरान मजीद नात ख्वानी और तकसीम इसनाद का इनेकाद 15 फरवरी बरोज जुमेरात उर्दू मस्कन खिलवत में ज़ेर एहतमाम खादरी वेलफेयर सोसाइटी अमल में आया। इस जलसे की सदारत हाजी मोहम्मद नज़ीर खादरी सदर सोसाइटी ने की, जबकि जलसे की निगरानी नबीला खादरी जनरल सेक्रेटरी सोसाइटी ने की। काजी सूफी शाह मोहम्मद अब्दुल कादर खादरी चिश्ती सानी कादर पाशा के अलावा हाफिज सैयद इब्राहिम, हाफिज मोहम्मद अब्दुल शकूर, मोहम्मद अब्दुल जब्बार खादरी रजवी और मोहतरमा अनीस फातिमा ने मेहमान खुशी के तौर पर जलसे में शिरकत की और खिताब भी किया। हाफिजा आलिमा तबस्सुम बेगम ने निजामत के फराइज अंजाम दिए। रायनगर पुलिस स्टेशन हदूद के इलाके हैदरगुड़ा में रहजनी की वारदात पेश आई, जिसके दौरान दो अफराद ने एक 30 साल खातून के गले से 3.5 तोले पर मुश्तमिल तलाई चेन छीन ली। मुतासर खातून ने इस सिलसिले में पुलिस स्टेशन में शिकायत भी दर्ज करवाई, जबकि पुलिस ने नौजवानों की शिनाख्त की गरज से CCTV फुटेज बरामद किए और इस सिलसिले में मसरूफ़ तहकीकात है। टास्क फोर्स साउथ ईस्ट जोन टीम और चादरघाट पुलिस ने 3 डकैत को हिरासत में लेते हुए अंदरून 16 घंटे ज्वेलरी शॉप में हुई डकैती की वारदात की यकसुई कर ली और डकैत शुदा 24 लाख रुपए मालियती अशिया भी बरामद कर ली। DCP साउथ ईस्ट जे धरावत IPS ने मीडिया को बताया कि दिन दहाड़े अंजाम दी गई वारदात के सिलसिले में महाराष्ट्र उत्तर प्रदेश से ताल्लुक़ रखने वाले 3 अफराद को हिरासत में लिया गया है।
किसवा ज्वेलर्स वाक़े अकबरबाग में मस्कूरा वारदात अंजाम दी गई थी, जिसके बाद पुलिस ने तहकीकात करते हुए टास्क फोर्स के साथ मुश्तरका कार्रवाई की। डीसीपी साउथ ईस्ट जे धरावत आईपीएस ने मीडिया को इस सिलसिले में मजीद तफसील से भी वाकिफ करवाया। उनको किसवा ज्वेलर्स अकबरबाग में एक रावरी रिपोर्ट हुआ, उसमें तीन जने आके वो बच्चा था ओनर का लड़का, उसको चाकू से डरा के इंजुरी करके पूरा 330 ग्राम्स गोल्ड और 125 ग्राम सिल्वर लेके गए थे। ये टेक्निकल एविडेंस के हिसाब से तीनों तक हम लोग पहुंच सके। साउथ ईस्ट टास्क फोर्स और चादरघाट क्राइम टीम दोनों मिलके ये केस डिटेक्ट करे। इसमें तीनों नाजिम अजीज़ कोटाड़िया, शौकत रानी और वारिस, ये तीनों भी रैपिडो राइडर्स है। ये नाजिम के पास 4 बाइक्स है। इसने इन लोगों को, वारिस और शौकत को, एक बार बोला इधर एक ज्वेलरी शॉप है, हम लोग इसमें राबरी करेंगे, पैसे मिलेंगे बोल के। ये तीनों भी फर्स्ट टाइम ऑफेंडर्स है, प्रीवियस हिस्ट्री कुछ नहीं है, क्रिमिनल हिस्ट्री कुछ नहीं है। अभी तीनों को आज सुबह में हम लोग पकड़े और साउथ ईस्ट टास्क फोर्स टीम इसमें काम कर रही थी। वादी मुस्तफ़ा में पेश आए एक वाक़े में चाकू की नोक पर ऑटो ड्राइवर पर हमला करने की कोशिश की गई, जिसके दौरान ऑटो ड्राइवर जख्मी हुआ, जबकि इस सिलसिले में पहाड़ी शरीफ पुलिस स्टेशन में एक शिकायत भी दर्ज करवाई गई। मुतासरा नौजवान ने बताया कि मोहल्ले का एक आबिद नामी नौजवान उन्हें हिरासा कर रहा है और रकम छीनते हुए ऑटो लेकर फरारी की कोशिश भी कर रहा है। इस सिलसिले में पुलिस ने केस दर्ज किया और मसरूफ़ तहकीक़ात है। अपने वादे मुस्तफ़ा में एक आबिद बोल के बच्चा रहता, मेरे घर पे आके जो है सो मेरे को धमकी दे के जा रहा, मारता हूँ बोल के जा रहा। दो तीन वक्त आ गया घर पे और आज जो है सो अचानक क्या करा, मेरे घर पे आके जो है सो घर पे मैं नहीं था तो जो स्कूल के बच्चे छोड़ता हूँ, मैं स्कूल का रातब करता हूँ, तो स्कूल का रातब छोड़ने गया, जाके आया तक घर पे जो है सो आके आवाज़ा दे रहा कर रहा, तो नीह बोल के बोल दिया उसको, नीह बोल के जो है सो मेरे घर वाले फ़ोन करके बोले अरे आबिद बोल के बच्चा है, उन्हें आया घर पे बोले तो मैं क्या करा, घर का नहीं गया, गली में से निकल के आके मारा मेरे को, पीठ लग के चाकू लेके मार देता हूँ तेरे को बोल के, पीठ लग रहा मेरे को, मार देता हूँ बोल रहा। और मेरा ऑटो लेके चले गया था, मैं किराए का ऑटो चलाता हूँ। सुबह में 10 बजे ऑटो लेके गया, रात में 9 बजे ऑटो मिला मेरे को काटेदन में, वो भी पकड़ के लेके आना पड़ा वो ऑटो। हम लोग देखते ही साथ ही, हमारे साथ भैया थे मेरे, भैया को देखते ही साथ ही गाड़ी छोड़ के भाग गया होगा, मैं गाड़ी छोड़ के भाग गया। सुबह में क्या करा, घर पे कोई भी ना रहता सो टाइमिंग पे आया घर पे 10 बजे का टाइम, क्यों बोलते सब जने हम लोग आए घर में कमाए खाने वाले, हम लोग दो भैया आए हम लोग कमाए खाने का, हम लोग ऑटो चलाता, भाई मेरा भाई भी ऑटो चलाता, मैं भी ऑटो चलाता हूँ, गरीब आए साहब, ऐसा करे तो हम लोग कहाँ रहेंगे, किधर जाएंगे। 2000 रुपये 13 तारीख के दिन क्या करा, खींच लिया 2 तारीख के दिन जी, मैं दोस्त नहीं है, बस्ती का बच्चा है, दोस्ती कुछ भी नहीं, घर के पास ही रहता था, सलाम दुआ और बेवजह के जो है जब बोले जब पकड़ ले रहा, जहाँ बोले पैसे दो बोल रहा, पैसे नहीं दिए तो जो सो चाकू बता रहा, परसों बता के 13 तारीख के दिन चाकू बता के 2000 रुपये लेके चलेगा। फिर उसके बाद में कल क्या करा, सुबह में 10 बजे गाड़ी लेके चलेगा नाहदी होटल के पास से, गाड़ी लेके गया रात में 9 बजे गाड़ी मिली मेरे को, वो भी काटेदन में गाड़ी मिली, नहीं नहीं करा था साहब, किराए की गाड़ी अपनी पछाड़ का लेकर गया ना बोल के खामोश हो गया था। फिर उसके चाकुआ बता रहा हूँ, मार दे तुम बोल रहा साहब, कुछ भी बोलते कि मार दे तुम बोल रहा, 13 तारीख को भी बता चाकू बता के नहीं नहीं दिया साहब, मार दे तुम बोल रहा साहब, हम ना गाय कमाए खाने वाले, रात पे रात हम अकेले फिरते, अगर दुश्मनी कहीं कर लेंगे उन्हें पिले खा लेके रात दिन फिरते रहता है, चोर है उन्हें साहब, चोरियाँ करा सो वीडियोज भी है, बात था उसके वीडियोज भी है, वो पता नहीं गया नहीं का उसका तो नहीं मालूम है। अब फर्स्ट टाइम आप किस चीज से मारे, चाकू से मारा, ये चाकू है देखो उसके पास, वकिया रखी भी, ये चाकू लेकर मेरे को पीट लग के मारा, वहाँ पे गली वाले तक गवाह है, वहाँ के गली में पूरे लोग, 3 टाके लगे मेरे को पहाड़ी पीएस। शाहीन ग्रुप इदारे जात वाक़े बीदर की जानिब से कुल हिंद मुशायरा बउनवान एक शाम कौमी यकजहती के नाम का
14 फरवरी की शाम इनेकाद अमल में आया। इस मुशायरे की निगरानी शाहीन ग्रुप के सरबराह सैयद अब्दुल खदीर ने की, जबकि मारूफ शोरा इमरान प्रतापगढ़ी, महशर आफरीदी, अनवर कमाल, हामिद सलीम हामिद के अलावा अबरार काशिफ, ताहिर फराज, मारूफ राय बरेलवी, उस्मान मीनाई, विजय आनंद माहिर, मारूफ राय बरेलवी, शफीक आबिदी, डॉक्टर सुनील पनवार, हामिद फूसावली और दीगर ने अपना कलाम सुनाते हुए दाद वसूल की। इमरान प्रतापगढ़ी ने अपनी शायरी के जरिए माहौल बना दिया और खूब दाद भी वसूल की। तैयार रहना मेरी नई नस्लों, वाह वाह वाह, के बेशर्म सियासत की मैं तहरीर नहीं हूँ, क्या कहना, सुन ले हुकूमत तेरी जागीर नहीं हूँ, वाह वाह, नफरत के समंदर में मैं खो ही नहीं सकता, मैं एक किसी रंग का हो ही नहीं सकता, वाह वाह वाह। और अब तैयार रहना, इधर जो लोग खड़े हैं अभी जो खामोश हैं, उधर जो खामोश हैं, कोई भी हाथ खामोश नहीं रहेगा अगले जो दो मिसरे आ रहे हैं, के बेशर्म सियासत की मैं तहरीर नहीं हूं, सुन ले हुकूमत तेरी जागीर नहीं हूं, नफरत के समंदर में मैं खो ही नहीं सकता, मैं एक किसी रंग का हो ही नहीं सकता, अंदाज मेरा के नफरत के समंदर में मैं खो ही नहीं सकता, मैं एक किसी रंग का हो ही नहीं सकता, अंदाज मेरा मस्त मलंगा ही रहेगा, वाह, गुम्बद पे सदा मेरे तिरंगा ही रहेगा, वो फूल हूँ मेरे रब की मुझ पर इनायत हुई, कहूं भी तो कैसे इबादत हुई, मेरे रब की मुझ पर इनायत हुई, कहूं भी तो कैसे इबादत हुई, हकीकत हुई जैसे मुझ पर आया, कलम बन गया है खुदा की जबां, मुखातिब है बंदे से परवरदिगार, मुखातिब है बंदे से परवरदिगार, तू हुस्ने चमन तू ही रंगे बहार, तू मेरा जे फन तू ही फन का सिंगार, मुसव्विर हूँ मैं तू मेरा शाहकार, ये सुबह ये शामें ये दिन और रात, ये रंगीन दिलकश हंसी कायनात, के हूरो मलाइक व जिन्नात में किया है तुझे अशरफुल मखलूकात, मेरी अजमतों का हवाला है तू, तू ही रोशनी है उजाला है तू, फरिश्तों से सजदा भी करवा दिया के तेरे ये मैंने क्या ना किया, ये दुनिया जहां बज्म आराइयां, ये महफिल ये मेले ये तन्हाइयां, फलक का तुझे शामियाना दिया, जमी पर तुझे आबो दाना दिया, मिले आबशारों से भी हौसले, पहाड़ों में तुझको दिए रास्ते, ये पानी हवा और ये शमसो कमर, ये मौजे रवा ये किनारा भंवर, ये शाखों पे गुंचे चटकते हुए, फलक पे सितारे चमकते हुए, ये सब्जे ये फूलों भरी क्यारियां, ये पंछी ये उड़ती हुई तितलियां, ये शोला ये शबनम ये मट्टी ये संग, ये झरनों के बजते हुए जल तरंग, ये झीलों में हंसते हुए से कंवल, ये धरती पे मौसम की लिखी गजल, ये सर्दी ये गर्मी ये बारिश ये धूप, ये चेहरा ये कद और ये रंगो रूप, दरिंदों चरिंदों पे काबू दिया, तुझे भाई देकर के बाजू दिया, बहन दी तुझे और शरी के सफर, ये रिश्ते ये नाते घराना ये घर, के औलाद भी दी दिए वालिदैन, अलिफ लाम मीम काफ और ऐन गैन, ये अक्लो जहानत शऊर और नजर, ये बस्ती ये सहरा ये खुशकी ये तर, और उस पर किताबे हिदायत भी दी, नबी भी उतारे शरीयत भी दी, गरज के सभी कुछ है तेरे लिए, बता क्या किया तूने मेरे लिए, वाह 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 वाह, ये चाहतों का सिला नहीं है, बहुत ये छोटी सी बहर है, ये चाहतों का सिला नहीं है, वो देखकर भी रुका, देखकर भी रुका नहीं है, बहुत हंसी है किसी की आंखें, बस एक कमी है हया नहीं है, बताए मुझको वो दिल की बातें, अभी वो इतना खुला नहीं है, वाह 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 वाह, बताए मुझको वो दिल की
की बात है। वाह वाह वाह, अभी वो इतना खुला नहीं है, उड़ेंगे जी भर के फिर कभी हम। कहता हूँ ये एक इतना बड़ा काम है डॉक्टर साहब, अभी ये तहरीक है, कल ये मिशन बनेगा। और ये मिशन, मैं आज एक शायर का वादा सुन लीजिए, आज के 20-25 साल के बाद कोई दीवाना उठेगा और शाहीन की इस तहरीक और इस मिशन पर डॉक्टरेट हासिल करके डिग्री हासिल करेगा और पीएचडी करके इस बात पर रिसर्च करने की कोशिश करेगा कि वो कौन सा एजुकेशन मॉड्यूल था जिसने छोटे छोटे बच्चों को, जो मदरसे से निकल कर आए थे, उन बच्चों को नीट जैसे कंपटीशन को क्वालिफाई करने के लायक बनाया। जब शाहीन के बच्चे जो हिफ्ज करके आते हैं, जब नीट क्वालिफाई करते हैं, जब इंजीनियरिंग के कंपटीशन ब्रेक करते हैं, तो हमें फख्र होता है। आपको भी अगर फख्र होता है तो एक बार तालियों की गूंज में बताइए क्या आपको फख्र होता है। आखिर में देखेंगे सुर्खियां एक बार फिर। तेलंगाना असेंबली में जात पर मबनी मर्दुम शुमारी की करारदाद मुत्तफिका तौर पर मंजूर, अपोजिशन जमातों ने भी करारदाद की तायीद। वक्फे सिफर में मुख्तलिफ अराकीन असेंबली ने मुतालिका हलकों के मसाइल को किया पेश, हुकूमत से इकदाम करने की अपील। अकबर बाग में वाक़े ज्वेलरी शॉप में हुई डकैती वारदात में मुलविस मुलजमीन गिरफ्तार, 24 लाख रुपये मालियती अशिया बरामद, चादरघाट पुलिस और साउथ ईस्ट टास्क फोर्स की कार्रवाई। इसी के साथ रूबरी न्यूज़ यहीं इख्तिताम पसीर होती है। रूबरी न्यूज़ की टीम को दीजिए इजाज़त। अस्सलाम वालेकुम।